पब्लिक टीवी आपकी आवाज। गति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के सैनी के नेतृत्व में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर द्वितीय खिचड़ी वितरण कार्यक्रम व चतुर्थ कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधवा वृद्ध व विकलांग असहाय लोगों को आवश्यक अनुसार कंबल वितरण किए गए। कंबल प्राप्त करके असहाय लोगों के चेहरे खुशी से खिल गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रिया अग्रवाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा, वरिष्ठ अतिथि मधु अंजन, समाज सेवी कविता व ट्रस्ट के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्भय शर्मा ने संचालन किया। कार्यक्रम में उपस्थित महानगर अध्यक्ष राजीव राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष शुभम सरन, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ पर गरीब, विधवा महिला और असहाय वृद्ध और यहाँ पे विकलांग, ऐसे जो बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन लोगों में आज हमने यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर गुलाबबाड़ी में कम्बल वितरण का कार्यक्रम रखा है। हमारा उद्देश्य रहता है कि इस समाज में जो भी लोग असहाय पात्र हैं, जिन लोगों के पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे वो अपना तन रख सके। मैंने देखा है कि कई सारे लोग ठंड के अभाव के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उस चीज को मैं देखता हूँ। गंगा स्नान से लगभग 250 कंबल बांट चुका हूँ और आज फिर से मैंने 100 कंबल बांटने का लक्ष्य रखा है। और मैं जब भी मुझे महसूस होता है, कहीं पर खबर मिलती है, सूचना मिलती है, कोई वृद्ध या विकलांग या कोई गरीब महिला या जेंट्स है और उसको कंबल की आवश्यकता है, तो मैं वहाँ जाता हूँ और भी लोगों से आग्रह करता हूँ, कुछ लोग हमें सहयोग भी दें और आगे जहाँ भी जिसको आवश्यकता है वो मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। ये कार्यक्रम मेरा लगातार आज चौथा कार्यक्रम था, आज इस सीजन का ये लास्ट कार्यक्रम हम कर रहे हैं और अगले साल फिर इस सत्र में हम इसको शुरू करेंगे गंगा स्नान से। ठीक है, समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समाज को मैसेज देना चाहूँगा, जिस तरीके से आज पिछड़े लोग, गरीब लोग हैं, जो सक्षम लोग हैं, अमीर लोग हैं, उन लोगों के हाथ बढ़ा करके मदद करें और उनके पास कोई साधन नहीं है तो हमारे साथ आ सकते हैं, वरना अपने आप में जो सक्षम है अपने आसपास के लोगों को देख सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बाकी ही आवश्यकता है कंबल की, या उनके हिसाब से जो भी कंबलों की आवश्यकता है वो उनको है। बाकी सभी समाज से भी इस क्षेत्र में ध्यान दें तो और कुछ लोग जो गरीब लोग हैं उन्हें जीने में आगे मुझे लगता है कि राह मिल जाएगी।